नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त आपको बताऊंगा कि आरजेडी के एक नेता जी क्या बयान दे रहे हैं गैंगरेप के मुद्दे पर। बड़े नेता हैं, रसूखदार नेता हैं, पुराने नेता हैं और अभी कुछ नहीं है। फिलहाल आरजेडी में किसी राज्यसभा के सदस्य या फिर किसी तरह के मेंबर नहीं है, पर बड़ा पद है उनका आरजेडी के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं शिवानंद तिवारी की, और शिवानंद तिवारी जो बाबा के तौर पर फेमस हैं पार्टी के अंदर और लालू यादव के करीबी हैं, बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, और उन्होंने एक बार फिर अब गैंगरेप पर एक बड़ा बयान देकर, अजीबोगरीब तर्क देकर फिर से एक बार जो है इस मामले को गर्म कर दिया है। दरअसल शिवानंद तिवारी ने जो ये बातें कही हैं गैंगरेप को लेकर, उस पर उन्होंने इसके लिए गैंगरेप के लिए आधुनिकता, आइटम डांस और मोबाइल पर अश्लील तस्वीर को जिम्मेवार बताया है। जी हाँ, शिवानंद तिवारी का कहना है कि जो उन्होंने कहा है कि रेप के मामलों के लिए सिनेमा में आइटम डांस, विज्ञापन और मोबाइल फोन में अश्लील तस्वीर जिम्मेवार है, उन्होंने ये कहा है। और ये सभी चीज़ें मिलकर बलात्कार की मानसिकता तैयार करते हैं। तो शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान ये दिया है गैंगरेप पर, और उन्होंने ये तमाम जो आधुनिकता की चीज़ें हैं उसे जिम्मेवार बता दिया है। तो शिवानंद तिवारी जी को ये बताना चाहिए कि आखिर क्या आधुनिकता की चीज़ें बंद कर दी जाएंगी, क्या लोग टीवी देखना बंद कर देंगे या फिर सिनेमा देखना बंद कर देंगे, या फिर जो अश्लील तस्वीरें और विज्ञापन और मोबाइल फ़ोन की वो बात कर रहे हैं, क्या मोबाइल फ़ोन का यूज़ बंद हो जाएगा। ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। शिवानंद तिवारी दरअसल जो है विभाग बयानी के लिए जाने जाते रहे हैं। पहले आप उनका बयान सुन लीजिए एक बार। 17 आदमियों ने गैंगरेप किया। देखिए, इस तरह की घटनाएं जो है मैंने इधर कुछ वर्षों में पढ़ी है, और उसका एक बड़ा कारण है कि हमारी जो संस्कृति है, अब देखिए जो आदिवासी इलाका है उस इलाका में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी औरत का किसी लड़की के साथ जो है बलात्कार होगा। बलात्कार जो है आदिवासी संस्कृति में कभी रहा ही नहीं। लेकिन जब से ये आधुनिकीकरण के नाम पर, आधुनिक समाज बनाने के नाम पर, ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति का चलन शुरू हुआ, उसने औरतों को एक उपभोग का वस्तु बना करके पेश किया। सिनेमा में आइटम डांस हो, विज्ञापन हो, या मोबाइल फोन में मैंने प्रोन वाला तस्वीर हो, ये सब मिलजुल करके मैंने बलात्कार की मानसिकता को तैयार करते हैं। और ये सिर्फ आदिवासी इलाका में जाना, इसका मतलब समझिए कि ये मैंने समाज के अंतिम हिस्से तक चला गया। और देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो जब तक इन सब चीजों पर जो बलात्कार की मानसिकता को तैयार करता है उसको आप रखते हुए आप कैसे कर सकते हैं। अब दिल्ली में निर्भया वाला केस हुआ, उस पर जो है कमीशन बना, जुडिशियल कमीशन बना, उसके बाद जो है औरतों को बचाने के लिए इस तरह के ये से कानून को और सख्त किया गया, फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन उस समय भी हमने कहा था राज्यसभा में कि देखिए, आपको सजा बढ़ा देने से मामला रुक जाएगा, ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जब तक वो परिस्थितियां रहेंगी जो बलात्कार की ओर उकसाती हैं लोगों को, तब तक बलात्कार को आप रोक नहीं सकते हैं। और आज भी मेरा कहना वही है। तो सुना आपने कि शिवानंद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी दरअसल एक आदिवासी क्षेत्र का मामला है, झारखंड का एक मामला या दुमका में गैंगरेप का मामला, उस पर वो बयानबाजी कर रहे थे, और उस बयानबाजी के दौरान ही उन्होंने ये तमाम बातें कही। दरअसल उन्होंने आदिवासी इलाके में किसी लड़की या महिला के बलात्कार पर पहले तो आश्चर्य जताया और कहा कि उस इलाके में इस तरह की बातें सोची भी नहीं जा सकती थी आदिवासी इलाकों में, पर उन्होंने अब इन बातों से आगे बढ़ते हुए तमाम बातें कह डाली जो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो विवादास्पद है, अजीबोगरीब है। आखिर शिवानंद तिवारी क्या चाहते हैं।
किस तरह की बातें कर रहे हैं कि टीवी से और मोबाइल से और इन सब चीजों से जो है अश्लीलता फैल रही है और गैंगरेप की घटना या बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे ये बड़ी वजह है ये बता रहे हैं। तो शिवानंद तिवारी का इन्होंने इतना ही नहीं कहा और कहा है कि शिवानंद तिवारी ने ये भी कहा कि बलात्कार की मानसिकता को बिना रोक सिर्फ सख्त कानून रेप से रोके नहीं जा सकते हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कहा है कि केवल बलात्कार के मामले में कड़े कानून बना भी दिए जाए तो बलात्कार नहीं रुक सकता। उन्होंने दिल्ली के निर्भया कांड का उदाहरण दिया और कहा कि निर्भया कांड जब हुआ था दिल्ली का उसके बाद तमाम सख्त कानून बनाए गए और बलात्कारी को फांसी की सजा देने तक की भी बात की गई पर भी ये बलात्कार नहीं रुका। रेप और गैंगरेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि सजा बढ़ा देने से घटनाएं नहीं रुक जाएंगी। शिवानंद तिवारी का ये मानना है, ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा है, उन्होंने रेप माइंडसेट बदलने पर जोर दिया। दरअसल शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि माइंडसेट बदलना होगा, मतलब माइंडसेट बदलने के लिए जो इन तमाम जो आधुनिकताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी होगी। ये बातें शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। तो शिवानंद तिवारी जी की जो बात है वो कहीं ना कहीं जायज है, जो कह रहे हैं कितनी जायज है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, पर शिवानंद तिवारी ने जो बातें कही अपने अनुभव के आधार पर कि जो गैंगरेप की घटनाएं या रेप की घटनाएं हैं वो किसी सख्त कानून से बना देने से नहीं खत्म होगी, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। पर इस पर आखिर कौन से ऐसे कड़े कदम उठाए जाए, क्या कुछ किया जाए, अगर उनका हिसाब उनके हिसाब से अगर माने तो तमाम जो आधुनिकताएं की चीजें हैं मोबाइल टीवी इन सब चीजों पर ही बैन कर देना चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हैं विवादास्पद भी हैं अजीबोगरीब भी हैं। अब शिवानंद तिवारी के इन बयानों पर क्या जवाब देगी सरकार, इसका इंतजार होगा हमें। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।